हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई, वेलकम टु माई च्यानल। र आज पनि मैले तपाईँहरूको लागि एकदमै रमाइलो भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ आलिया सुरजसँग किन रिसाइन त भनेर भिडियो रियाक्सन गर्न गइरहेको छु। उनले चाहिँ सुरज लामालाई चाहिँ कराइरहेकी छन्, रिसाइरहेकी छन्। के कुरामा रिसाइन, के कारणले रिसाइन भनेर भिडियोलाई म तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला भन्दै म भिडियोलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहले मुझे बताओ, वॉइस नोट्स किसने वायरल करवाए? कैसा वॉइस नोट? जिसमें जिसमें उसने ये बोला है कि उसकी लाइफ में, सुरेश की लाइफ में मैं ऑलरेडी हूँ और ये बीच में आ रही है, ये वॉइस नोट किसने वायरल करवाया? मुझे क्या पता? ये किसने बोला कि मैं आपके साथ हूँ? मैं आपके साथ हूँ, किसने बोला है? वॉइस नोट किसने ये बोला है? किसने ये वायरल किए हैं? ये किसने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ? अरे किस बारे में बात कर रही है, बोलो ना। तो सुरेश, आपकी लाइफ में कोई और लड़की है? झूठ मत बोलना, लाइफ पे सब चल गया है, वॉइस नोट चलवा दी। मुझे भेजो। नहीं, क्या हो गया ये दोनों? मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे तो छोड़ दो, ठीक है? मुझे छोड़ दो, मैं ये बोल रही हूँ आपकी लाइफ में जो लड़की है, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। ओके, मैं नहीं हूँ आपकी लाइफ में। जो लड़की आपकी लाइफ में है उसने वॉइस नोट भेज के लाइव पे चलवा दिए हैं और ये इशू चल रहा है और ये हाईलाइट हो चुका है। आपको मिल जाएंगे वॉइस नोट लाइव के बाद, मैं तब तक ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उसने ये सब कुछ लाइव पे बोला है, उसने कहा है कि इसको सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है और ये बीच में आ रही है। मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? क्या हो गया भाई, किसने क्या मैं बोल आप दोनों के दिया? बीच में आ रही आलिया हूँ, को किसने क्या बोल दिया, समझ में नहीं आ मैंने रहा। कभी कुछ बोला है भेजो। मैं आपके साथ किसी रिलेशनशिप में हूँ? मुझे बताओ, मैंने कभी बोला है मैं आपके साथ पूरा किसी पंगा हो रिलेशनशिप में गया। हूँ? नहीं मैंने कभी बोला कि मैंने आपको रिजेक्ट किया? आप मुझे सही से बताओ कि नहीं लोग, नहीं मैं आपके साथ सीरियस नहीं हूं, बताओ है, मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है। सब कुछ जानने के बाद, शी इज नॉट माई हेटर। चुप करो, सब लोग चुप करो। मुझे अब मैं अपने सर पे कुछ नहीं लूंगी सुरेश, मैं, ठीक है, वो जब उसने कर दिया है ना सब कुछ पब्लिकली, तो मैं भी पब्लिकली बताऊंगी मेरा कसूर नहीं है। मेरा क्या हो कसूर गया बताओ है, ये सुरेश, दोनों के बीच क्या हो गया? आपका कसूर कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसने है क्यों भाई। ऐसे किया है? इसका क्या नोट और पूरा वायरल कर दिया बोलता है। कैन यू सेंड मी वीडियो? मैं सेंड कर दूंगी, मैं लाइव के बाद सेंड कर दूंगी। मैंने तब भी आपसे कोई बात भी नहीं की है, जो भी था उसने पब्लिकली कर दिया है। वीडियो मेरे पास भी आ चुकी है, वीडियो सबके पास। ऑफलाइन आई कांट, ऑफलाइन पे बात नहीं कर सकती। ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लियर करो। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है, क्या बोल। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ ना दुबई, अकेली आई हूँ मैं। पहली दफा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। पहली दफा मैं सिर्फ आपका कॉन्सर्ट देखने आई हूँ। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मुझे इवन ये नहीं पता था टिकट कैसे बुक होती है। मैं आपके लिए आई हूँ, आपकी वैल्यू है तो मैं आपके लिए आई हूँ, ठीक है? और अगर मैं आ गई हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ, मैं लाइव नहीं आ रही, तो ये लोग, तो वो लड़की पीछे ये बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ, जबकि मैंने बोला कि वो लड़की, यार मैं नहीं नाम ले रही उसका, आपको नहीं पता कौन लड़की है, पूछो सबसे, इनको नहीं पता। सब लोग देखी बैठे, सब लोग सुनी बैठे। आप चाची क्या हो बोलो?
अभी भी मैं चाहती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ। मुझे ये बताओ, मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ कभी? कौन दोनों? वो सूरज लामा के साथ थोड़ा सा नाराज हो रही थी कि हम तुम दोनों के बीच में आया है, ऐसा ऐसा बोला करके बोला, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या बात हो रहा है। मतलब अब हामीलाई त थाहा छैन अब यिनीहरूमा के भयो होइन, कसले चाहिँ के भन्यो होइन, अब त्यसैको बारेमा चाहिँ उसलाई अब सोधपुछ गर्दै थियो सुरेश लामासँग। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको यो अडियो भाइरल भएपछि त्यति बेला चाहिँ निकै नै तहल्का मचिएको थियो, दुईजनामा दुरी पनि बढेको थियो। तर यति बेला भने दुईजना फेरि सँगै जोडिएका छन्, फेरि पहिलाको जस्तै राम्रो सुधार पनि भएको छ। यति बेला उनी चाहिँ नेपालमा घुम्न पनि आएकी छन्, राम्रै स्वागत पनि गरेको छ नेपालमा। र आजको लागि यति नै भयो, फेरि म यस्तै रमाइलो भिडियो लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित हुनेछु। आजको लागि पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।